दोस्तों, आप हमेशा दही खाते हैं और खाते रहेंगे। दही भारत में ज़्यादातर गर्मी के मौसम में खाई जाती है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। स्वाद के साथ साथ इसमें कई सारे पोषक तत्व भी होते हैं। अगर दही को आयुर्वेद की भाषा में बोला जाए तो इसे जीवाणुओं का घर कहते हैं। अगर आप दही में किसी मैग्नीफाइंग ग्लास के सहारे देखेंगे तो आपको इसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया दिखाई देंगे। इन बैक्टीरिया को गुड बैक्टीरिया भी कहा जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग दही में नमक मिलाकर खाते हैं, तो दोस्तों कभी भी आप दही को नमक के साथ मत खाइए। दही को अगर खाना है तो हमेशा दही को मीठी चीज़ों के साथ खाना चाहिए, जैसे कि चीनी के साथ, गुड़ के साथ या बूरे के साथ। इस क्रिया को दोस्तों बेहतर समझने के लिए चलिए एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। आपको बाजार जाकर किसी भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की दुकान पर जाना है और वहाँ से आपको एक लेंस खरीदना है। ये लेंस कुछ ज़्यादा महंगा नहीं, केवल 10-12 रुपए में आसानी से आ जाएगा। अब अगर आप दही में इस लेंस से देखेंगे तो आपको छोटे छोटे हजारों बैक्टीरिया नजर आएंगे। ये बैक्टीरिया जीवित अवस्था में आपको इधर उधर चलते फिरते नजर आएंगे, और ये बैक्टीरिया जीवित अवस्था में हमारे शरीर में जाने चाहिए, क्योंकि जब हम दही खाते हैं तो वहाँ हमारे अंदर एंजाइम प्रोसेस अच्छे से चलता है। तो दोस्तों, हम दही केवल बैक्टीरिया के लिए खाते हैं। दही को आयुर्वेद की भाषा में जीवाणु घर इसलिए कहा जाता है। आप एक कप दही में आप जीवाणुओं की गिनती करेंगे तो करोड़ों जीवाणु नजर आएंगे। अगर आप मीठा दही खाएंगे तो ये बैक्टीरिया आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे। वहीं अगर आप दही में एक चुटकी नमक भी मिला लें तो एक मिनट में सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे और उनकी लाशें हमारे अंदर जाएंगी, जो कि किसी काम की नहीं होंगी। अगर आप 100 किलो दही में एक चुटकी नमक डालेंगे तो दही के सारे बैक्टीरियल गुण खत्म हो जाएंगे, क्योंकि नमक में जो केमिकल्स हैं वो इन जीवाणुओं के दुश्मन हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में कहा गया कि दही में ऐसी चीज़ मिलाएं जो कि जीवाणुओं को बढ़ाए, ना कि उन्हें मारे या ख़त्म करें। दही को गुड़ के साथ खाइए। गुड़ डालते ही जीवाणुओं की संख्या मल्टीप्लाई हो जाती है और वह 1 करोड़ से 2 करोड़ हो जाती हैं। थोड़ी देर गुड़ मिलाकर रख दीजिए। बूरा डालकर भी दही जीवाणुओं को कई गुना बढ़ा देती है। मिश्री को अगर दही में डाला जाए तो यह सोने पर सुहागा काम करेगी। भगवान श्री कृष्ण भी दही को मिश्री के साथ खाते थे। पुराने समय के लोग अक्सर दही में गुड़ डालकर दिया करते थे और उनमें से कोई भी गुड़ में नमक नहीं इस्तेमाल करता था। इसी तरह का एक और नियम है कि दूध खाते हुए या पीते हुए कोई भी नमक की चीज़ ना लें। दूध और नमक की भी दोस्ती नहीं है, दही और नमक की भी दोस्ती नहीं है। अगर कोई चीज़ दूध की खा रहे हैं तो नमक की चीज़ ना हो, और नमक की चीज़ खा रहे हैं तो दूध की चीज़ ना हो। दोस्तों, आपको यह जानकारी क्या अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे भी हम इसी तरह की जानकारी आपके लिए लेकर आते रहेंगे, तो जुड़े रहिए रेमेडी अपडेट्स के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।